इस लोकसभा चुनाव में यूपी की सियासत सबसे अहम है। भाजपा भी यूपी को अपना प्रयोगशाला मानकर ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 मिशन 80 को देखते हुए कई बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो वही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। आजमगढ़ में अपना किला बचाने के लिए सपा शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते तो उनकी जसवंत नगर विधानसभा सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा। शिवपाल सिंह यादव का आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इससे तो सपा अपने गढ़ में फिर से पैर जमा सकेगी, वहीं पूर्वांचल की कई सीटों पर भी उनकी मौजूदगी का असर देखने को मिलेगा। सपा ने भले ही अब तक इसका ऐलान नहीं किया हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने यहां तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर आजमगढ़ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए पूर्वांचल में अपना राजनीतिक गणित दोबारा सेट करना पड़ेगा। यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ जो अभी वहां से भाजपा के सांसद हैं, तो उनका विकल्प भाजपा जरूर ढूंढेगी। फिलहाल लोकसभा में अभी वक्त है, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सपा और भाजपा किस तरह की रणनीति बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।